और आप देख रहे हैं न्यूज पटेट और आप लोगों के साथ कुलदीप तमाम विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन राजनीतिक पार्टी उनका सपोर्ट किस तरीके से कर रही है कि यह मामला अभी तक सुलझता नहीं रह रहा है लगातार उलझते जा रहे हैं छात्र चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो विश्वविद्यालय बी हो तो यहाँ पे छात्र लगभग बीस दिनों से धरने पे बैठे हैं लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो बिल्कुल उनके सपोर्ट में नहीं है लेकिन विपक्ष में जो पार्टियाँ हैं वो कितना सपोर्ट में हैं या नहीं हैं जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहाँ पे विपक्ष सपा है तो जिस तरीके से ये लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं उन छात्रों को क्योंकि जिस तरीके से फीस वृद्धि हुई है हर यूनिवर्सिटी में किसी में 400 सौ प्रतिशत फीस वृद्धि हुई है तो किसी में 500. सबसे बड़ी बात यह है कि हर यूनिवर्सिटी में गरीब तबके के छात्र भी पढ़ने जाते हैं बहुत ऐसे छात्र हैं जो इसके पिताजी मेहनत मजदूरी करके जाते हैं और वह छात्र जब जहाँ पाँच हज़ार रुपये फीस देनी होती है वहाँ पे पंद्रह हज़ार रुपये जब होगा तो छात्र कैसे पढ़ेंगे हमारे साथ हैं संजीव जी हैं संजीव सिंह जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हम इनसे जानने के कोशिश में हैं कि इनकी पार्टी या विपक्ष में बैठे लोग क्यों नहीं सहयोग करें सर्वप्रथम संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बता ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं छात्रों को और लगातार सुलझ नहीं रहा है लगातार उलझते जा रहे हैं छात्र देखिए कुलदीप जी सबसे पहली बात ये है कि शिक्षा जिसका मूल उद्देश्य था एक लोक कल्याणकारी की अवधारणा के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे विषय हैं कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति हो उसको न्यूनतम मूल्य पे कह लीजिए या न के बराबर उसको शिक्षित किया जाए और कांग्रेस की सरकार ने काम किया जब संविधान बना तो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य को लोक कल्याणकारी की अवधारणा के तहत इसको मतलब वेलफेयर स्टेट के रूप में दिया भी अब बात आती है कि जब से शिक्षा का जो बाजारीकरण व्यवसायीकरण जो चला ये वो भाजपा जो आचार पद्धति की बात करती है जो गुरुकुल की बात करती है क्या गुरुकुल में ही चलता था गुरुकुल को भी चलाने वाले राजे महाराजे हुआ करते थे गुरुकुल के गुरुजन अपने अपने छात्रों को भिक्षा देने का और भिक्षा मांग करके ये अपना जीवन यापन करना ये एक पुराना सिस्टम था लेकिन आज की जो भाजपा है नीतियों की खोट नीतियों की खोट कैसे है क्योंकि इस देश में नोटबंदी लाई गई बिना सोचे समझे इस देश के प्रधानमंत्री ने जो वाराणसी से हमारे सौभाग्य से सांसद भी हैं कहा था कि पचास दिन का मौका दीजिए और किसी भी चौराहे पर बुला लेंगे तो क्या कहा था कि महंगाई बेरोजगारी आतंकवाद नक्सलवाद सबसे मुक्ति मिल जाएगी पचास दिन कौन कहे आज कहना गलत नहीं होगा तो मुझे लगता है कि 2500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं उस पर कोई बात नहीं आती क्योंकि नीति गलत थी उसके बाद आते हैं जीएसटी पे मनमाना जीएसटी रातों रात अमिताभ बच्चन के डांस लता मंगेशकर के गाने लगा करके चला दिया गया आज एक हज़ार से ज़्यादा संशोधन हो गया व्यापारी परेशान है दो करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे अब बताई कि प्रधानमंत्री जी इश्तेहार इस बात का दे रहे हैं कि साहब हम अब जो है दस लाख रोजगार देंगे पचहत्तर हज़ार को हम नियुक्ति पर देने जा रहे हैं ये जो एक इवेंटबाजी है पहले की सरकारों में हमारे भी पूर्वज थे हमारे भी गार्जियन रहे नौकरियां पाए छोटी बड़ी पाए क्या ऐसी सरकारें करती थी अब छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि नीतिगत ये दोष इनके अंदर है कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोई लड़का या कंपिटेटिव छात्र सेलेक्ट होता है तो उसको पता चलता है कि साहब उसके क्षेत्र के विधायक मंत्री उसको नियुक्ति पद दे रहे हैं और ढोल ढोलबाजे बजा करके उनका क्या योगदान है वो तो अपनी योग्यता से आया तो ये सरकार इवेंटबाजी के चलते हर जगह फैली और गलत नीतियों से और उसी गलत नीतियों का परिणाम है जो नट सेल में आज कहूँ कि जो नई शिक्षा नीति है अब इस पर आते हैं कांग्रेस की सरकार थी या पहले भी सरकारें थी वो विश्वविद्यालय आयोग के तहत यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन के तहत वो अनुदान देने का काम करती थी आज बताइए इस सरकार ने कहा कि हम आपको अनुदान नहीं देंगे बल्कि कहा कि 30% परसेंट आपको अपने संस्थान से फाइनेंशियल जो मैटर है यानी 30% परसेंट आपको धनोपार्जन करना होगा अब बताइए यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चरर है कोई प्रोफेसर है या वाइस चांसलर ही है उसका प्रथम कार्य क्या है अध्ययन अध्यापन है कि वहाँ पे व्यवसाय पैदा करे वो कैसे 30% परसेंट हम मतलब यहाँ से धन उगाही करें और उसको चलते ये दबाव आज देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटियों में है जिसका कारण आपको मैं सीधे गिना दूं मैं तो कांग्रेस की तरफ से हूं लेकिन क्या इलाहाबाद की कुलपति श्रीमती संगीता श्रीवास्तव क्या वो भी कांग्रेस या विपक्षी दल से हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चार सौ गुना तक फीस वृद्धि हुई जहाँ पे राष्ट्रीय छात्र संगठन के हमारे साथियों ने एन एस के साथियों ने और तमाम जो छात्र संगठन है इसमें मैं जोड़ के कहना चाहता हूँ जो सत्ता पक्ष के भी हैं उन्होंने भी विरोध किया और कुलपति ने मैं सम्मान करता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती संगीता श्रीवास्तव का जिन्होंने कहा कि हम क्या करें ये नई शिक्षा नीति का दबाव जिसके चलते हमें ये फीस बढ़ानी पड़ रही है यानी सोचिए कुलपति विवश है वाराणसी के कुलपति की स्थिति क्या है पाँच पाँच सौ परसेंट आप सोचिए कि साढ़े तीन हज़ार रुपये एम एस की फीस को बढ़ा करके आपने साढ़े आठ हज़ार रुपये कर दिया हॉस्टल की फीस को बढ़ा के मतलब आप एक तरह से सौ परसेंट से लेकर के पाँच सौ परसेंट तक आपने यहाँ बढ़ाने का काम किया और यहाँ पर बी में लगातार एन के छात्रों ने तमाम छात्र संगठनों ने वो कह लीजिए सिग्नेचर कैंपेन चलाने का काम किया कुलपति के सामने लगातार धरने पे बैठे हुए लेकिन कुलपति अपनी हर धर्मिता से मिलने को स्वीकार नहीं और आप सबको बरगलाने का काम हो रहा है कह रहे हैं साहब हमने फीस बढ़ाया नहीं दूसरी तरफ मैं कुलपति जी को कहना चाहता हूँ कि थोड़ा शर्म करिए क्योंकि जहाँ आपका कार्यालय है महोदय उस कार्यालय के पीछे या नहीं कहूँगा ठीक सामने देखेंगे तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है आप किसको झूठ बोल रहे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप सीधे सीधे इष्टदेव महादेव को झूठ बोल रहे हैं कह रहे हैं कि फीस वृद्धि नहीं हुई नए छात्रों का जो एडमिशन हो रहा है वो नई फीस वृद्धि के तहत हो रहा है और आप जैसे सम्मानित पत्रकार साथियों को या आंदोलनरत छात्रों का आ जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो किया ही नहीं गया तो पहले तो आप उनका फीस पढ़ा वापस ले लीजिए और इतना ही नहीं बनारस की बात छोड़ दीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय में सोशियालॉजी जैसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता उसमें भी पता चला साहब प्रैक्टिकल फीस एक हजार रुपया ली जा रही है ये लूट है वाराणसी में 2014 तक जब तक यूपीए की सरकार थी एक एक साल में जो चूंकि बजट जो आता था विश्वविद्यालय का बी का ढाई ढाई हजार तीन तीन हजार पुस्तकें आती थी आज वो पुस्तकें घटा करके सात साढ़े सात सौ पुस्तकें आती हैं और गलत चीजों की जानकारी दी जाती है अमेठी संग्राम करके आपको बी एच लाइब्रेरी में किताब लाएगी जिसमें नेहरू जी के बारे में एक दर्जन से ज्यादा गलत तथ्य दिए जा रहे हैं कि नेहरू ऐसे नहीं ऐसे थे तो ये जो इनका मॉडल अप्रेंटिस है आज गलत नीति के चलते नोटबंदी से ये माफ करिएगा हमारी स्थिति कोरोना से नहीं बिगड़ी कोरोना के पहले इस देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी मार्च 2020 में कोरोना आया और मार्च 2020 में अब अपनी जीडीपी देख लें तो 3.4 पॉइंट बैठक गई थी बेरोजगारी 45 साल की जो टूटी वो लगातार सत्रह अट्ठारह से टूटती गई आप ही सबके द्वारा जो सर्वे आया वो चीज़ ठीक है लेकिन सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दें तो सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो शिक्षा पे क्यों चोट पहुंचा रहे हैं जो गरीब तबके के हैं जो पढ़ेंगे लिखेंगे हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ और रोजगार कर सकते हैं लेकिन जब शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो हमारा देश कहाँ से विश्वगुरु बन पाएगा बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे लगता है कि इस सवाल का माक़ूल जवाब इस देश के प्रधानमंत्री को ही देना चाहिए जो हमारे सांसद भी हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको मिलेगा नहीं सवाल यही है विश्वविद्यालय की स्थापना पुराने समय में इसी विश्वविद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पंडित मदन मोहन मालवी कोई टाटा बिरला के घर से नहीं आते थे या अंबानी अडानी के रिश्तेदार नहीं थे भीख मांग करके विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसमें मान सम्मान तो सोड़िए साहब अपमान तक मिला निजाम हैदराबाद के पास गए थे निजाम हैदराबाद ने कहा कि हम एक विश्वविद्यालय निजा... निजाम हैदराबाद से रिक्वेस्ट किया कि हम एक विश्वविद्यालय खोल लें निजाम साहब आपकी मदद चाहिए निजाम हैदराबाद ने कहा कि पंडित उस विश्वविद्यालय के लिए अगर मदद चाहते हो तो मेरी जूती ले चले जाओ मालवी जी ने जूती ले ली कहा ठीक है हुजूर मैं आपके बाजार में जाके इस जूती को नीलाम करूंगा कि निजाम साहब की जूती है और उस जूती को नीलाम करने पर जो पैसा मिलेगा मैं विश्वविद्यालय में लगा दूँगा तब निजाम को खटका करें ये तो विद्वान पंडित है मेरा बहुत अपमान होगा कहने नहीं मैं आपकी मदद करूंगा बदले में क्या दोगे तो मदन मोहन मालवी जी ने कहा कि हुजूर आपका योगदान मिल रहा है इस विश्वविद्यालय को जहाँ देश दुनिया से लड़के आएंगे गरीब घरों के लड़के आएंगे और गांव गरीब के लड़के आएंगे उनको मैं दूंगा और आपको बी का एक द्वार होगा जो हमेशा आपके नाम से जाना जाएगा आज भी बी का जो पिछला गेट है उसको हैदराबाद गेट कहते हैं वो दे वो देन थी और आज हमारी सरकार कहती कि तीस परसेंट आप अपने यहाँ से वित्तीय व्यवस्था को करिए कहां से होगा मैं मदन मोहन मालवीय की तुलना निजाम हैदराबाद से इसलिए कर रहा हूं कि एक मानवी की कितनी बड़ी सोच रखने वाला एक प्रकांड विद्वान जिसने देश के राजाओं महाराजाओं से जमीन से लेकर के धन दौलत मांग करके विश्वविद्यालय बनाया और एशिया का आज भी सबसे जाना माना विश्वविद्यालय बी है उसकी सोच इतनी थी आज तो आप सरकार हैं आप विश्वविद्यालय को कह रहे हैं कि आप भी इकट्ठा करो तो सोच की खोट है और इसीलिए कहना चाहता हूं कि विश्वगुरु भाषणों से नहीं बनेगा जब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित नहीं होंगी और गरीब का लड़का कैसे पढ़ेगा कुलदीप जी उसको तो नहीं लगता है कि वो कभी पीजी की डिग्री ले पाएगा या एक सपना होता है विश्वविद्यालय में पढ़ने का वो नहीं आ पाएगा नहीं इसलिए नहीं आ पाएगा कि जो फीस का स्ट्रक्चर है और इतनी बुरी स्थिति है कि आज दुनिया के दो सौ विश्वविद्यालयों में भारत का एक विश्वविद्यालय नहीं आठ सालों में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इमिनेंस का दर्जा ऐसे यूनिवर्सिटी को देते हैं जो मोदी जी के मित्रों की यूनिवर्सिटी है जियो यूनिवर्सिटी को इमिनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ इमिनेंस का दर्जा देते हैं पाँच हजार करोड़ रुपए उसको अनुदान देते हैं जिसका कहीं बेस तक नहीं है लेकिन बी जैसे लखनऊ जैसे इलाहाबाद जैसे यहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्र क्या मांग कर रहे हैं कि आप फीस को न्यूनतम रखिए गांव के गरीब का किसान का मजदूर का उसके लड़के का उसका जो ख्वाब है वो विश्वविद्यालय का मुंह देख सके अब नहीं देख पाएगा और आज स्थिति यह है क्योंकि सरकार पूरी तौर से शिक्षा को भी बेचने जा रही है एक चीज़ और आपको जोड़ के कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय में आप टहलते हैं बी की बात कर रहा हूँ शिक्षा संकायों का विकास नहीं हो रहा है आपको ये नहीं दिखेगा कि किस संकाय में कितने लेक्चर कितने प्रोफेसर या कैसे उनको आप क्या दिखेगा जो बजट्स आ रहे हैं उस बीएचयू के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है मल्टी स्टोरी है किसको जरूरत है मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों की आप पैसे का अपव्यय कर रहे हो क्योंकि महामना की जो सोच थी जो बाग बगीचे बनाए गए जो पुराने आवास बनाए गए अब नए पैटर्न पे क्योंकि ये सरकार इतिहास को बदलना नहीं इतिहास से मुंह मोड़ना चाहती है और जिस भी सरकार में जिस भी समाज ने अपने अतीत के साथ खिलवाड़ किया आने वाला इतिहास उसको माफ़ नहीं करता वही काम यहाँ हो रहा है तो ये थे संजीव जी जो छात्रों के लिए हितों की बात कहे तो लगातार ये इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त और जरूर इस इंटरव्यू पे अपना विचार जरूर दीजिएगा तो लगातार ये राउंड जीरो पे हम रिपोर्ट कर रहे थे तुम्हारे साथ बने रहिए न्यूज़ पैकेट के साथ में दीजिए जरूर पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें